कश्मीर घाटी में सुबह से हो रही बर्फबारी। मौसम विभाग ने बर्फबारी की आशंका पहले ही जता दी थी। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कश्मीर घाटी में सुबह से ही लगातार बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग ने बर्फबारी की संभावना पहले ही जता दी थी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ये बर्फबारी की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी। मौसम में गिरावट आने के बाद वादी कश्मीर में फिर एक बार बर्फबारियों का सिलसिला जारी हो चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने जो है आप तक महकमे मौसमियात की पेशनगोई पहुंचाई थी कि 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के शाम तक यानी आज शाम तक किसी भी वक्त बर्फबारी हो सकती है और इसका असर जो है आज देखा जा रहा है। ज़मीनी इलाकों के साथ साथ बलाई इलाके जो है इसकी लपेट में आ रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा, बांडीपोरा और जो है हंदवाड़ा इलाकों में और जो खासकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाके हैं उनमें बर्फबारी जो है देखी जा रही है। साउथ कश्मीर के शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में भी इसका असर जो है उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की सी बर्फबारी सुबह सवेरे से ही स्टार्ट हो चुकी है और जो है अगर ये देर आज दोपहर तक रही तो इसके साथ साथ ही हवाई ट्रैफिक और ज़मीनी ट्रैफिक जो है मुतासर हो सकती है। हालाँकि आज शाम तक ये बर्फबारी हो सकती है जहाँ तक कि महकमे मौसमियात की पेशनगोई का ताल्लुक है। फिलहाल जो है फिलहाल कश्मीर वादी में बिल्कुल कड़ाके की सर्दी फैली हुई है। लोग अपने ही घरों में ही अभी सीमित है क्योंकि आप जो हमारे पीछे देख सकते हैं सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। लोग जो है अंदर ही रहना बेहतर समझते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है और सर्दी के वजह से जो है उनको कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।